नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एक सैड न्यूज़ निकल के आ रही है बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस को लेकर के। दोस्तों तुनिशा शर्मा जो कि काबुले इश्क नाम करके एक टीवी सीरियल में मरियम का रोल निभाया करती थी, तो उनको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने अपनी वैनिटी वैन यानी जहाँ पर मेकअप का सामान वगैरह रखते हैं वहाँ पे फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बॉलीवुड एक्टर भी है, इन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज में काम भी किया है, लेकिन इनका अभी एक शो चल रहा था जिसका नाम है अली बाबा दास्ताने काबुल। इस सीरियल में इनका मेन रोल था जिसमें ये मरियम का किरदार निभाया करती थी, लेकिन अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, इन्होंने अपने शो के दौरान अपनी ही वैनिटी वैन में अपने आप को भी फांसी के फंदे से लटका लिया। और इससे पहले इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक पोस्ट भी किया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि जो अपने जुनून से इंस्पायर होते हैं वो कभी रुकते नहीं। और कुछ देर पहले ही इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ये पोस्ट भी किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने 5 घंटे बाद अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लिया। आखिर इस एक्ट्रेस ने इतना बड़ा कदम उठाया कैसे, इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि पुलिस ने इनकी बॉडी को अपने हिरासत में ले लिया है और इनकी बॉडी की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। बाकी हम सब यही दुआ करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इस बुरे समय में भगवान इनके परिवार को ताकत दे।